दोस्तों नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है विजय चौधरी जी, और विजय चौधरी जी ने पूछा है, रामावत वेद ज्ञान लिख करके पूछा है, बड़ा मजा आता है। सर, 2 महीने की प्रेग्नेंट भैंस का अबॉर्शन हो जाए तो क्या करें, डिटेल में वीडियो बनाइए प्लीज़। देखिए, अगर 2 महीने की भैंस का अगर अबॉर्शन हो गया है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर वन, आपको काम करवाना है कि जब भी अबॉर्शन हुआ है उसके बाद बच्चेदानी की सफाई करने के लिए दवा दीजिए। बहुत सारी दवाएं आपको मार्केट में मिलती है, एग्जापार हो सकती है, यूट्री वाइव हो सकती है, हिमरॉप हो सकती है। ये दवाएं 100-100 ml सुबह शाम 5 दिन तक दीजिए, और अगले जो 5 दिन हैं उनमें 100 ml एक टाइम दीजिए। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि सफाई का प्रबंध कीजिए। दूसरा काम ये करना है कि जब भी वो फर्स्ट टाइम हीट में आए उस समय उसके तांते देखिए। अगर तांते बिल्कुल पारदर्शी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस करवा सकते हैं या AI करवा सकते हैं। लेकिन अगर तांते पारदर्शी नहीं है, उनमें हल्की सी मवाद आपको लग रही है, तो उस समय नज़दीकी पशु चिकित्सक से आपको इंट्रा यूटराइन अच्छी सी मेडिसिन, जैसे लिक्सन हो गया, लिनोवा AP हो गया, या मोक्सीवेल IU हो गया, इनमें से कोई सी भी अच्छी सी मेडिसिन आप इंट्रा यूटराइन 3 दिन तक डलवा दीजिए। साथ में हल्दी और मिनरल मिक्सर। भाई मिनरल मिक्सर में मिल्कोफीड प्लेटिनम, जिसमें कि सारे के सारे विटामिन मिनरल हैं, तो वो 50 ग्राम रोज ले लीजिए, और 50 ग्राम ले लीजिए हल्दी, दोनों को मिक्स करके और आप लगातार देते रहिए 20 दिन या 30 दिन। तो उससे क्या होगा, बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, मिनरल्स की कमी दूर हो जाएगी। और ये सब काम आपने किया है तो उससे पहले जो ही अबॉर्शन हुआ, और आपको ये ध्यान करना है कि उसकी डिवॉर्मिंग हुई या नहीं हुई। नीलजान दवा से अगर पिछली बार डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो इस बार नीलजान दवा से डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। ये पहला है डिवॉर्मिंग, मतलब 100 ml नीलजान की दवा जो है वो सुबह सुबह भूखे पेट आटे में, गुड़ में या किसी में भी आप मिला करके दे दीजिए। डायरेक्ट भी पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने इंट्रायूटराइन दवा दिलवाई है, उसके बाद जब हीट आती है उस समय उसे क्रॉस करवाइए या फिर AI करवाइए, तो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल मिट जाएगी, दूध भी कम नहीं होगा और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी।